नमस्ते, मिनी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज की जो रेसिपी है वो है मसाला भिंडी की। भिंडी तो सभी की पसंदीदा सब्जी है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने भिंडी को ऐसे छोटे छोटे कट कर लिए हैं, और यहाँ पे मैंने काट के रखा है 2 प्याज और 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च, और फिर चढ़ाया है पैन, और पैन में डाला है सरसों का तेल, और इसमें डालेंगे 5 फ़ोरन। 5 फ़ोरन में ही बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर डाला है मैंने हरी मिर्च। मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, मैंने बच्चों के हिसाब से ही बनाया है। और फिर डाला है मैंने प्याज। प्याज इसमें अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो 2 बड़े साइज़ का प्याज था तो वही मैंने डाला है इसमें। और प्याज को ना हल्का फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। थोड़ा सा क्रंच रहता है ना प्याज का तो बहुत टेस्टी लगता है भिंडी। और फिर भिंडी को डाल के और बिना ढके इसको बनाना है, मतलब ढक देंगे तो चिपचिपा सा हो जाता है। तो थोड़ी देर मैंने इसको भुना है, और फिर डाला है इसमें मैंने नमक स्वाद अनुसार। ऐसे भी भिंडी को बिना ढके ही बनाना चाहिए, ढक देने से ना बहुत चिपचिपा सा हो जाता है। और नमक इसमें थोड़ा भुनने के बाद ही डालें, क्योंकि साथ ही साथ अगर नमक डाल दीजिएगा ना तो भी पानी छोड़ देगा और बहुत चिपचिपा सा हो जाएगा। तो हल्का जब भून जाए तभी नमक डालें इसमें। और फिर लिया है मैंने मसाले। तो मसाले में मैंने डाला है धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा सब्जी मसाला, और लाल मिर्च पाउडर, और अमचूर पाउडर भी डाला है इसमें। अमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे खट्टापन रहता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और देखिए बहुत फटाफट बन भी जाता है, काटने में जो टाइम लगे सो लगे, बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जब कम से कम आधा कुक हो जाए ना उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे, और फिर इसको थोड़ी देर और ढक के पका लेंगे। लास्ट में मैंने ढक के इसलिए पकाया है कि टमाटर है ना तो उसको गलना तो चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा इसको ढक देंगे लास्ट में। और देखिए मसाला भिंडी तैयार है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय।